प्यार वेखना तो भाई तारू सिंह जी नूं वेखो, भाई मनी सिंह जी नूं वेखो, बाबा दीप सिंह जी नूं वेखो, भाई बोटा सिंह, भाई गर्जा सिंह, भाई तारू सिंह जी नूं वेखो, जिन्होंने केसां दे प्यार विच अपनी खोपरी तलहा दिती गर्म खो पर केस कतल ना करवाए। आखो सतनाम, अपनी खोपरी तलहा दिती पर केस कतल ना करवाए। भाई तारू सिंह जी नूं कहा गया वो केस कतल करवा ले तो तेरी जान बख्श दिती जाएगी। भाई तारू सिंह जी नूं कहा केस कतल करवा ले तो तेरी जान बख्श दिती जाए। भाई तारू सिंह को की आखे लगे वो जे केस कतल ही करवा ले तो मैं ज्यों की करूंगा। आखो सतना श्री वाहेगुरु, जे मैं केस कतल ही करवा ले ता मैं जोके की करूंगा, क्योंकि गुरमुखो गुरु गोबिंद सिंह जी का सिख केस कतल करवा के जी ही नहीं सकता। रविंद्र नाथ टैगोर ने लिखे है मैनू तेरी परी जवानी तेरा मंगे जा मैं बख्शदा हाँ तेरी जा बस सुदेव जी बिच तू मैनू एक तौबा दे जान लगे तोहफा दे अपने खूबसूरत लम्मे वा मन जून है बादशाह पाई तारू सिंह ने तेरा तू ही की करेगा या किसे सिख को कुछ मंगिया सी सिख को कुछ मंगिया सी दे जावांगा तैनू सोने लम्मे वाल गुरखो पर अकले वाल नहीं पर अकले वाल नहीं अपना सिर भी दे के जावांगा नाल। आखो सतना पर कले वाल नहीं अपना सिर भी दे के जा। एडिया वडिया कुर्बानियां याद करिए अनंतपुर की धरती याद करिए सरसा दे कंडे नूं जदों परिवार विछड़िया परिवार तीन हिस्सों विच वंडिया गया। याद करिए चमकौर दी गली नूं जिथे वड्डे साहिबजादे साहिबजादा बाबा जुझार सिंह साहिबजादा बाबा जी सिंह जी साहिबजादा बाबा जुझार सिंह एडिया वड्डिया कुर्बानियां किहदे वास्ते करे एडिया वड्डिया कुर्बानियां किहदे वास्ते कीतियां गुरमुख किहदे वास्ते अपने वास्ते। छोटे साहिबजादे निहां विच खड़ गए किहदे वास्ते बोलो सारे बोलो किहदे वास्ते अपने वास्ते। एडिया वड्डिया कुर्बानियां भाई तारू सिंह जी आखदे ने पर कले वाल नहीं अपना सिर भी दे के जावां सिर दे के मिली सरदारी एवें नहीं मिली सरदारी जे मिली भी है तेनू किवें रखना है सिर दे के मिली सरदारी साम साम रखी खालसा सिर दे के मिली सरदारी
वेले कोई भी नाई भाई तारू सिंह जी दे केस कटने नू तैयार नहीं होया। गुरमुखो क्योंकि नाइया नू भाई तारू सिंह जी नू वेख के डर आउंदा सी, पर अजकल मनमुख सिखा नू वेख के नाई खुश हो जाते ते सोचते ने कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो इन्हां नू सिंह सजाए, पर पता नहीं भेड़ा बन नू क्यों तैयार हो गए। भेड़ा पता नहीं भेड़ा बन नू क्यों तैयार हो गए। गुरमुखो भेड़ा ना बनो, सिंह सजो। एक पंजाब का नौजवान सिख, पंजाब का नौजवान कश्मीर गया तो केस कतल करवाने नाई की दुकान से गया। गुरमुखो नाई ने उसका ना सहज सुभाई पूछ लिया, जिम्मे आप पूछ लें भाई तेरा ना की है ऐदा। गुरमुखो उस नाई ने उसका ना सहज सुभाई पूछ लिया, तो जो उस पता लग गया कि सिख है वो हैरान हो गया। जो उस पता लगा कि सिख है वह हैरान हो गया, मन में सोच लगा तो आख लगा तो सिखता केस कतल करवाऊंगा नहीं, सिखता केस कतल करवाऊंगा नहीं। तुहानू केड़ी बीमारी पै गई है सिंह साहब जी, नाले तो तुसी पंजाब दे रहण वाले हो जिसनू गुरुआं दी धरती कहा जाता है, तुहानू केस कतल करवाउण दी की नौबत आ गई, केड़ी बीमारी पै गई है तुहानू, जाओ मैं तुहाडे केस कट नहीं सकता। गुरमुखो सिख शर्मशार हुंदा उत्थे चला गया। तो जिहड़े मेरे वीर ये गलती करते हैं ना, वो अज तो प्रण करके जान कि अज तो बाद सिख केस कतल नहीं करवाव। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पुत बना गए, खंडे वाटे की पौ छकावे, तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणा दी खुशियां लवे। बड़े ध्यान देने की गल है, जदों चमकौर की गढ़ी में सतगुरु जी जाने लगे ना, चमकौर की गढ़ी जदों चमकौर की गढ़ी विचों ना सतगुरु जी जाने लगे, तो गुरु गोबिंद महाराज ने अपने जोड़े उतार दिते, सतगुरु जी ने अपने पवित्र जोड़े उतार दिते। भाई दया सिंह जी नाल ने, भाई दया सिंह जी पुछे लगे सतगुरु जी जोड़े क्यों उतार दिते, सतगुरु जी जोड़े क्यों उतार दिते। तो गुरमुखो वेखो महाराज जी का केसा नाल किन्ना किन्ना प्यार केसा नाल, आख लगे ओ बार जंग दे मैदान विच शहीद होए सिंघां दे केसां नूं मेरे जोड़े ना लग जाण। आख सतनाम वाहे गुरु। बार जंग दे मैदान विच शहीद होए सिंघां दे केसां नूं मेरे जोड़े ना, इन्ना प्यार पहला भी सी प्यार ते हुण भी है। महाराज जी ने तां केसा के प्यार गुरमुखो तख्त का नाम ही केसगढ़ साहब रख दिया। हुण तुसीं वेखो महाराज जी का केसा नाल किन्ना प्यार। गुरमुखो कहते आप पखंडियां कोल तां नहीं गड़े जिहड़े धागे दी वित दिंदे, धागे दी वित देण वाले कहते आप उहनां कोल तां नहीं खड़े, पता नहीं लगता कित्थे खड़े आ कित्थे बैठे आ, नहीं पता लगता कदे आप पगंडिया को नहीं खड़े। तुसी दसो गुरमुखो कि दाता देण वाला कौन है, दाता देण वाला कौन है, दादा दाता एक है, बोलो दादा दाता एक है, सब को देवन हार, दिन दे तोटन आवई अगणत परे भंडार, मानु की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। गुरबाणी नूं कितों भी विचार के वेखो तुहानूं इही पता लगूगा कि गुरबाणी तो बिना किसी के हाथ में कुछ नहीं होता। गॉड इज वन, परमात्मा एक है, गुरबाणी तो बिना किसी के हाथ में कुछ नहीं होता। गुरमुखो जे कोई सोचता है कि कुछ कर सकता है तो सिरे का मूर्ख बन, इन्हां मूर्खा को जाके आप आप मूर्ख ना बनीए। साडे सतगुरु जी की कहिंदे ने, जे को होए बह दाता
तिस देन हार जाने गवार। हुण आपां विचार करिए कि धागे तवीत नाल इह बंदे दे जीवन नूं सुधारन लई कुछ कर सकदे हन जां नहीं। इस गल तो यह बिल्कुल सिद्ध हो जाऊगा गुरमुखो के धागे तवीत बिल्कुल काम नहीं कर। गुरमुखो धागे तवीत की चान कर सकते ने, यह तो पहला तो ही काले ने, यह की चान कर सकते ने। गुरमुखो पहली गल तो यही है कि गुरबाणी तो बिना चानण हो ही नहीं सकता। आखो सतना हे गुरु, यह धागे तवीत तो पहला तो ही काले ने, यह की चानण कर सकते। गुरबाणी तो बिना चानण हो ही नहीं सकता। गुरबाणी इस जग में चानण। गुरमुखो सिखां दे पहले गुरु धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी, धन श्री गुरु नानक महाराज जी ने चार उदासियां कीतियां। चार उदासियां पाक दुनिया नूं सच्चे राह पाउण लई सारी दुनिया दा चक्कर लगाया। हुण तुसीं दसो कि गुरु नानक देव जी ने दुनिया नूं की वंडिया? धागे तवीत नग। असीं जिन्ने भी भाई भैणां नूं पुछिया सब ने यही कहा, ज्ञान तुरकी बाणी दा गया। ज्ञान तुरकी बाणी आई, पढ़ो तुरकी बाणी आई, तेन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना। हर नानक साच बखाना, गुरु की बाणी दा जी बना। अपने सिर ते चुकया, नगां दा भरिया बोरा
ना ही नावा का भरिया बोला भाई मरदाना जी नु जिक्र गुरमुख नानक वाला जी ने भाई मरदाना जी नु रबाब लेके रबाब गुरु नानक पातशाह जी ने भाई मरदाना जी नु रबाब लेके दी जो बाणी आउंदी है ते की कहंदे मरदानिया रबाब बजा बाणी आई वे सब जे जबाना की जा मरदानिया रबाब बजा बाणी आई है दुख रोग संताप उतरे सुरी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी आ बड़ी है प्यार रबी रबाब बजा बने रबी रबाब बजा बने रबाब तेरे मन सजदी रबी रबाब बजा बने रबाब तेरे मन सजदी रबी रबाब बजा बने रबाब तेरे मन सजदी Let's go.
सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरदे कहंदे ने आनंदपुर साहिब वस गया सतलुज दे कंडे आनंदपुर साहिब वस गया सतलुज दे कंडे जिथे गतका खेडन सूरमे हाथ फड़ के घंटे नाल इतिहास भी जरूरी है गुरु को इतिहास बिना गल नहीं मनदी हर रोज सतगुरु जी का दीवान सजदा धन श्री गुरु गोबिंद सिंह हर रोज संगतां ने लंबे लंबे पेंडे पेंडे कहिंदे ने रस्तियां नूं लंबे 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 पेंडे लंबे लंबे रास्ते तय करके आना संगतां ने बेड़ी विच सवार होके आना बेड़ी कहिंदे ने किश्ती नूं बेड़ी कहिंदे ने किश्ती अमृत वेले आसा दी वार दा कीर्तन हुंदा आसा दी वार दे कीर्तन तो उपरंत सतगुरु जी उस गुरु शब्द दी व्याख्या आसा दी वार दे कीर्तन तो उपरंत सतगुरु जी उस गुरु शब्द दी व्याख्या कर अमृत वेले आसा दी वार आपा तो तगरम तो घर बैठ गए भी नितनेम नहीं हुंदा आपा तो घर बैठ गए भी नितनेम नहीं हुंदा गुरु को आपा की कर सकदे आपा की कर सकते जब सरसा दे कंडे ते परिवार विछड़िया ना अमृत वेला सी अमृत वेला महाराज जी आख लगे दया सिंह जी सानू बड़ी भुख लगी है सानू छकण नू दियो बड़ी भुख लगी भाई दया सिंह जी मन विच सोचने लगे ते आख लगे महाराज जी छकण नू की दईए शगन नू की दे सकते हैं शगन नू की दई है बिजली कड़कती है बारिश हो रही है तो सतगुरु जी सरसा भी जोर से चले शगन नू की दे सकते सरसा भी जोर से चले बिजली कड़कती है बारिश हो रही है शगन नू की दे सकते ते गुरमुखो महाराज जी आखे लगे दया सिंह सानू पदार्थ की भुख नहीं लगी भोजन की भुख नहीं लगी सानू तो नाम की भुख लगी है आखो सतना श्री वाहिगुरु सानू भोजन की भुख नहीं लगी पदार्थ की भुख नहीं लगी सानू तो आसा दी वार दे नाम की भुख लगी है नितनेम की भुख लगी है कृपा करो आशीर्वाद आसा दी वार दा कीर्तन प्रारंभ करो सतगुरु जी ने तो उत्थे आसा दी नितनेम दा भी नहीं पाया आपा तो अगर वो घर बैठ गए भी नहीं तेने हुए आप की कर सकते हैं बेनती वाल ध्यान हर रोज सतगुरु जी का दीवान सुन संगतां ने बेड़िया वाले मलहान बेड़िया वाले मलहान ने संगतां नूं इस कंडे तो दूसरे कंडे ते पहुंचाउणा सतलुज दरिया पार करो सतलुज दरिया पार करो संगतां नूं इस कंडे ते दूसरे कंडे ते पहुंचाउंदा बेड़िया वाले मलहान ते गुरमुखो उन्हां बेड़िया वाले मलहां विचों एक सिमला भाई साहिब दा गज के आखो सतनाम वाहेगुरु उन्हां बेड़िया वाले मलहां विचों एक सिमला गुरमुखो भाई साहिब दा जो के बड़ा गरीब गरीबी बड़ी करते बड़ी गरीबी सी भाई साहिबा संगतां नूं इस कंडे ते दूसरे कंडे ते सतलुज दरिया पार करांदा भाई साहिबा बहुत गरीब बड़ा गरीब सी गुरमुखो जदों ना संगतां नूं सतलुज दरिया पार कराउंदा तां संगतां महाराज जी दियां महिमां गाउंदियां हुंदियां जदों भाई साहिबा संगतां नूं पार लगाउंदा तां संगतां महाराज जी दियां महिमां गाउंदियां महिमां सुन के भाई साहिबा बड़ा खुश हुंदा बड़ा प्रसन्न हुंदा बड़ा खुश हुंदा
बड़ा खुश हुंदा प्रसन्न हुंदा ते गर्म कोई कदन संगतां नूं आखण लगा कि संगत जी मैं भी सतगुरु जी दे दर्शन कर मैं भी महाराज जी के दर्शन करने पर मैं की करा जे मेरी एक दिन बेड़ी ना चले तो जेड़े मेरे बच्चे ने भुखे सो मेरा मन बड़ा बड़ा मेरा भी बहुत ही कर दिया सतगुरु जी के दर्शन जे मेरी एक दिन बेड़ी ना चले संगते जेड़े मेरे बच्चे ने भुखे तरखाना उतरे शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारी हो कोली जो कोल कुमारी गुरदर्शन संत प्यारे जीओ गुरखो एक दिन की होया भाई सहदेव नु के चढ़दी कला वाला गुरसिख मिलया चढ़दी कला वाला गुरसिख किसी नु कहंदे ने चढ़दी कला वाला गुरसिख जेड़ा अमृत वेले उठदा होवे तड़के नु अमृत वेले उठदा होवे पंजा वाणियां दा नितनेम करदा होवे गुरुद्वारे जांदा होवे चोर साहब की सेवा रखदा चोर साहब की सेवा करदा होवे निम्रता नाल बोल निम्रता नाल प्यार नाल प्यार सत्कार नाल बोल गुस्से नाल नहीं बोलना प्यार नाल निम्रता विच बोलना यही गुरसिख की निशानी हुंदी अमृत वेले उठना पंजा बाणियां दा नितनेम करना गुरुद्वारे जाना निम्रता रखदा होवे उसनू चढ़दी कला वाला गुरसिख कहिंदे गुरमुखो ऐसे तरह भाई सहदे नू चढ़दी कला वाला गुरसिख मिलिया ते ओह भी गुरसिख आनंदपुर की धरती ते जाया करदा सतगुरु जी दे दर्शन करदा ते गुरमुखो सिख भाई सहदेव मना नू मिलिया एक दिन सहदेव मिला नू आखे लगा सहदेया तू ता कही जाने कि मैं भी महाराज जी दे दर्शन करने ने मैं भी सतगुरु जी दे दर्शन करने ने पर जे तू इत्थे जा नहीं सकदा सतगुरु जी दे दर्शन नहीं कर सकदा तो उन्हां नू अंदरों अंदर याद कर लिया कर उन्हां नू अंदरों अंदर याद कर लिया कर जे तू नहीं जा सकदा आनंदपुर की धरती तो उन्होंने अंदर अंदर याद कर लिया कर भाई साहब का अख लगा मेरा भी मन बड़ा कर दे सतगुरु जी के दर्शन करने वास्ते मेरा मन बड़ा लोग दे सतगुरु जी के दर्शन पर मैं की करा जे मेरी एक दिन बेड़ी ना चले तो जेडे मेरे बच्चे ने मेरा मन बड़ा लोग गुरु को गुरसिख आखन लगा सहदेया तू की कह रहे तू की कह रहे वो प्यार दे भुखे नहीं वाह राज दे भुखे नहीं पैसे दे भुखे नहीं ਉਤਾ ਬਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਦਾ ਅੱਖ ਲਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਸਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੱਖ ਲਗਾ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਪਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਂ तो भाई साहब का अख लगा जे मेरे को केड़ी वस्तु है जिस कारण जिस करके सतगुरु जी मेरे पास आऊंगे केड़ी वस्तु है
जिस करके सतगुरु जी मेरे पास आओगे ते गुरमुखो गुरसिख अख लगे सहदया तू अंदर अंदर गोबिंद गोबिंद करिया कर। सहदया अंदर अंदर गोबिंद गोबिंद करिया कर। वाहिगुरु वाहिगुरु करिया कर। गोबिंद गोबिंद कर। हर वेले हर वेले हर समय गोबिंद गोबिंद करिया कर। वाहिगुरु वाहिगुरु करिया कर। फिर तेरी बरियात सुन के पुकार सुन के सतगुरु तेरे पास आपे ही आउंगे। आखो सबना तेरी बरियात सुन के पुकार सुन के सतगुरु तेरे पास आपे ही आउंगे। मन बड़ा लोचद है मन बड़ा बरागी है गुरमुख दर्शन करने वास्ते। भाई साहब भाई साहब अंदर अंदर गोबिंद गोबिंद करता है। वाहिगुरु वाहिगुरु हर समय हर वे गोबिंद गोबिंद वाहिगुरु वाहिगुरु मन बड़ा बरागी है। मन लोचदा तरसदिया अखिया बड़ा मन बरागी। मन लोचदा तरसदिया अखिया तेरे आदिदार अंदर अंदर गोबिंद गोबिंद कर। वाहिगुरु वाहिगुरु कर।
ਉਹ ਸਭਾ ਆਈ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹ ਸਹਿਦਿਆ ਬਾਹਰ ਆਤਾ ਖਾਂ ਸਹਿਦਿਆ ਬਾਹਰ ਆਤਾ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਹਿਦਾ ਭਜਿਆ ਭਜਿਆ ਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਭਾਈ ਸਹਿਦਾ ਭਜਿਆ ਭਜਿਆ ਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਹਿਦਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਦਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖ ਲੱਗੇ ਸਹਿਦਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਸਹਿਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਭਾਈ ਸਹਿਦਾ ਕਦੇ ਚਪੂਤਰ ਮਾਰਦਾ ਕਦੇ ਚਪੂਤਰ ਮਾਰਦਾ ਕਦੇ ਚਪੂਤਰ ਮਾਰਦਾ ਕਦੇ ਚਪੂਤਰ ਮਾਰਦਾ ਵਿੱਚੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਚਪੂਤਰ ਮਾਰਦੇ ਕਦੇ ਚਪੂਤਰ ਮਾਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖ ਲੱਗੇ ਸਹਿਦਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਵਿੜ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਵੇਗਾ ਆਖ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹਿਦਿਆ ਹੁਣ ਕੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਵੇੜੀ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਹ ਭਾਈ ਸਹਿਦਾ ਆਖੇ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੇੜੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੇੜੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਚਪੂਤਰ ਮਾਰਦੇ ਕਦੇ ਚਪੂਤਰ ਮਾਰਦੇ ਚੱਪੂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ
परिवार दे विचे कमाई जांदे कंडे दे नहीं लाउंदा विचे कमाई जांदे शाम हो जाती है महाराज जी आप लेके सहते आ हुण तां शाम भी हो गई हुण तां कंडे ते ला दे वे हुण तां शाम भी हो गई है हुण तां कंडे ते ला दे वे तां फिर भाई सहते नूं भी लगदा कि हुण तां शाम भी हो गई है गमखो फिर भाई सहते ने वेड़ी कंडे ते सारी संगत नाल बोले साडा तू ही मिला साईया साडा तू ही मिला है तेई पार लगाना सन वाहिगुरु नाम जा जा तड़े सुतरे पर जो शरदा का सेव दे पार पार हार साडा तू ही मिला है साडा तू ही मिला साईया साडा तू ही मिला साईया बेड़ी भरी औकड़ा दी तुम पार लगाया साईया बेड़ी भरी भाई साहब का आख लगा महाराज जी एक ही कह रहे हो तुसी एक ही कह रहे हो एक ही मंजन कर रहे हो आपा दोनों का मन इको ही है बस थोड़ा जा ही आपा दोनों का काम भाई साहब का आख लगा आपा दोनों का काम इको ही है बस महाराज जी थोड़ा जा ही फर्क है कि मैं सतलुज दरिया पार कराऊंगा हाँ ते तुसी अब सागर तो पार कराऊंगा थोड़ा जा ही फर्क है मैं सतलुज दरिया पार कराऊंगा तो तुसी अब सागर तो पार करो महाराज एक दिन ऐसा समा आएगा बाप जी को खुद इकला चल के आवा आप ही को इकला खुद इकला चल के आवागा बस तुसी मैनू दर्शन दो तब सागर पार करा दो आख सतना श्री वाहे गुरु
ऐसा समय आएगा महाराज जी मां भी कल खुद इकल्ला चल के आवांगा बस तुसी मेनू दर्शन दियो तब सागर पार महाराज जी आखे लगे सदा एक ही कह रहे एक ही कह रहे इधर वेख मेरे नाल किन्ने सिंह ने वेख मेरे नाल किन्ने सिंह ने भाई साहब का गिनती करता है एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ दस एवें ऐदा भाई साहब का गिनती करता है जब गिनती करता है महाराज जी आखदा है महाराज जी इक्की सिंह ने सतगुरु जी इक्की सिंह ने महाराज जी आख लगे इक्की सिंह ने इधर वेख फिर जे इक्की सिंह ने ना इक्की सिंह श्रीमान संत बाबा अजीत सिंह जी नथमुलपुर वाले महापुरख जो के ग्रंथो जिन्हों संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा भिंडरा वाले संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा भिंडरा वाले ने ना ग्रंथो महापुरखा रब का खिताब दिता रब का खिताब कि ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਥਮੁਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਨਹਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਇੱਕ ਨਥਮੁਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੱਬ ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਥਮੁਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਚੁੰਨੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਲਾਉਣ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਚੁੰਨੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਲਾਉਣ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੁਖੋ
महापुरखां दी बड़ी श्रद्धालु महापुरखां दी बड़ी श्रद्धालु सी महापुरखां कोल हर रोज आउणा महापुरखां दे वचन कमाउणे हर रोज आउंदी सी हर ते गर्म को जेड़े उन्हां दे सामणे गवांडी रहिंदे सी उन्हां दे घर बड़ा कलेश बीमारी लड़ाई झगड़ा होना बड़ा कलेश लड़ाई झगड़ा होना बीमारी बड़ा कलेश रहिंदा सी ते गंखो जो महापुरखां दी श्रद्धालु सी ओ बीबी ते अपनी गवांडण नू कहण लगी चल बीबी मैं तेनू नथमुल परवालिया महापुरखां कोल लै चलदी आ खबर है ओ तुहाडा जिहड़ा बीमारी है तुहाडी जिहड़ा तुहाडा कलेश है लड़ाई झगड़ा है ये दूर कर देण कृपा कर दे ते गंखो बीबी की आखण लगी की बाबिया कोल जाणे बाबिया कोल जाणे बाबे की हुंदे ने आ सुना बाबे की हुंदे ने बाबे बड़ेवे दिंदे ने बाबे की हुंदे ने बाबे बड़ेवे दिंदे ने मैं कोनी मानदी बाबे बाबे की हुंदे ने ते गुरखो बीबी आख लगी पैणे तू एवें ना बोल तू ऐदा ना बोल ओ ता रब ने रब आखो सतनाम वाहे गुरु पैणे तू एवें ना बोल ओ ता रब ने रब कहिंदे मैं मूंह नहीं मानदी बाबे बाबे बड़ेवे दिंदे ने बाबे की हुंदे ने गुरखो बीबी मिन्नता करके तरले करके तरले तरला शब्द तरले करके मिन्नता करके उस बीबी नु मैं पुरखा बोले बाबे गुंदे ने बाबे बड़ेवे दिंदे ने बड़ेवे वेखो बाबे बड़ेवे दिंदे ने बाबे ही हुंदे ने मिन्नता करके तरले करके उस बीबी नु महापुरखां कोल लै महापुरख बैठे ने जिवें आप जी बैठे हो ऐसे तरह संगतां बैठियां ने महापुरख बैठे ते गुरु को महापुरख संगतां नूं पतासियां दा प्रसाद वंड पतासियां दा प्रसाद पतासियां दा प्रसाद वंड रहे ने अखीर विच ध्यान देना अखीर विच उस बीबी दी वारी आ गई जिहड़ी कहिंदी सी कि बाबे की हुंदे ने बाबे बड़े में दिंदे अखीर में उस बीबी की वारी आ गई गुरखो ऐदा ऐदा महापुरखा ने अवे पतासिया का प्रसाद दिता हाथ बंद किते हाथ बंद किते संगत विच बैठी ते जदो हाथ खोले तो हाथ विच की बड़े में हाथ विच की बड़े में रोण लग पई बीबी महापुरखां दे चरणां विच डिग पई बाबा जी है की आ तुसीं तां मैनूं बड़ेवे दे दित्ते आ तुसीं तां मैनूं बड़ेवे दे दित्ते इह की है आ तुसीं तां मैनूं बड़ेवे चक के दे दित्ते ते गर्भ जो महापुरख हाथ लगे जानी जान कट कट के पढ़ो कट कट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पछाण तो जानी है श्रीमान संत अजीत सिंह जी नथम बोल बोलो कहंदे भाई साहू तही कहा सी के बाबे बड़ेवे दंदे ने असी दे देते आखो सतना भाई साहू तही कहा सी के बाबे बड़ेवे दंदे ने असी दे देते रोण लग पी भी महापुरखां दे चरणां विच डिग पी आख लगी कर दे ओ वेड़ा पार पापण जी कर दे ओ वेड़ा पार पापण जी
संगता बैठिया ने महापुरख मजा नू पठे पा रहे तख पा रहे महापुरख मजा नू पठे कख पा रहे महापुरखां दे हाथ विच टोकरा ते टोकरे दे विच कख जांदे जांदे महापुरखां दे कीला बजे कीला जांदे जांदे महापुरखां दे कीला बजे लहू वगदा मैला वगदा मैला वगदा खून वगदा संगत उठ के कहण लगी है बाबा जी है की आडे कीला बजे किन्ना मैला वगदा किन्ना खून वगदा महापुरख आख लगे भाई साहब की कीला वजिया कीला वजिया वह कीला तो अपनी जगह खड़ा है कीला किथे वजिया कीला तो अपनी जगह खड़ा है असी ओदे नाल वजिया जाके आख सतनाम कीला तो अपनी जगह खड़ा है असी ओदे नाल वजिया ए हुंदी है गुरमुखो महापुरखां दी निशानी निमरता दे पुंज ऐसे तरह तारी जांदे ने दुनिया ऐसे किवें साधु दुनिया नूं तारी जांदे ने साधु दुनिया नूं तारी जांदे ने ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਬਲੇ ਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵ ਹਾੜੀ ਸਲਵਾਰ ਜਦ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵ ਤੇ ਪੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਦੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਹਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਥਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਥਮਲਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਛਕੀਏ ਤੇ ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਵੀ ਆਓ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਓ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ ਠੰਡੇ ਵਰਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਛਕੀਏ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਵੀਏ ਇੱਕ ਧਾਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ
सत्संग जी सो श्री अकाल फिर आनंद साहब का जाप होगा सारी संगत नाल बोले भाई I'm not afraid.
सत्कारियो सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सुवारी गुरु का खास रूप गुरु खालसा सत्संग जी रसना पवित्र करो कलगीधर सच्चे पातशाह दी बख्शिश दोहराओ प्यार नाल फतेह बुलाओ कोई भी रसना वांझी ना रवे जितने भी बैठे हो सारी संगत दोवें हाथ जोड़ के सतगुरु जी नूं शीश झुकाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जितने प्रेमी बैठे जान दूरों नेड़े हो चल करके सतगुरु महाराज जी की हजूरी में आए हाँ। सतगुरु जी का फरमान ने बड़भागी सतसंगत पावे भागहीन परम चोटा खावे बिन भागा सतसंग ना लभे बिन संगत मैल प्रीजे जी। इसका अर्थ की है जी इसका मतलब की है साडे सतगुरु जी की कहंदे ने साडे सतगुरु जी सानू की कहंदे ने बड़भागी सतसंगत पावे भागहीन परम चोटा खावे। सतगुरु जी की कहंदे ने कहंदे ने जिन्हां दे बड़े ही उत्तम कर्म हुंदे ने उत्तम भाग हुंदे ने समझो गल जिन्हां दे बड़े ही उत्तम कर्म आप समझ रहे हो ना उत्तम कर्म जिन्हां दे बड़े ही उत्तम कर्म हुंदे ने उत्तम भाग हुंदे वो चल के संगत विच आउंदे तो सतगुरु जी अगे की कहंदे ने बिन भागा सतसंग ना लभे बिन भागा सतसंग ना लभे बिन संगत मैल परीजै जी। तो सतगुरु जी अगे की समझाउणा करदे ने जिन्हां दे उत्तम कर्म उत्तम भाग नहीं हुंदे वो इधर उधर चोटा खांदे फिरदे ने भड़कदे फिरदे ने आखो सतनाम उत्तम कर्म उत्तम भाग नहीं हुंदे बिन भागा सतसंग ना लभे बिन संगत मैल प्रीज जिन्हां दे उत्तम कर्म नहीं हुंदे इधर उधर चोटा खांदे फिरदे ने भड़कदे फिरदे ने आप बड़े बड़े भागी हो जिहड़े समां जड़े चल के सतगुरु महाराज जी की हजूरी में आए आओ जितना समय सतगुरु महाराज जी की हजूरी में मिले उतने समय के आप सतगुरु जी के चरणों में हाजिरी लवाइए प्यारी सत्संग जी किन्ने कमाल की गल है बंदा किसी दूसरे बंदे ते कहण ते शराब पी सकदा बंदा दूसरे बंदे ते कहण ते शराब पी सकदा पर गुरु जी दे कहण ते अमृत नहीं छक सकदा आखो सतनाम बंदा दूसरे बंदे ते कहण ते शराब पी सकदा पर गुरु जी दे कहण ते अमृत नहीं छक सकदा। गुरमुख आपां सोचदे आ कि कदों अपने घर सिखी आवे कदों असी गुरसिख बनिए किवें आवेगी गुरसिखी घर विच ध्यान दो जिन्ना चिर अपने घर नशा रहूगा ना नशा उन्ना चिर अपने घर सिखी नहीं आऊगी। कोई सोचते ने कदों साढ़े घर सिखी आवे कदों असी गुरसिख बनी किवें आवेगी सिखी किवें आवेगी सिखी जिन्ना चिर अपने घर नशा रहूगा उन्ना चिर अपने घर सिखी नहीं आनी। सो मेरे प्यारे वीरो अज तो गुरु साहब नाल वादा करो सच्चे मन नाल सतगुरु जी अगे अरदास करो सच्चे मन नाल ते कहो कि सतगुरु जी मैं नशा छड़न विच समर्थ हाँ तुसी कृपा करके मेरा यह कोहड़ दूर करो। सतगुरु जी अगे सच्चे मन नाल अरदास करो
सतगुरु जी मैं नशा छड़ने विच असमर्थ हाँ, तुसी कृपा करके मेरा एक होड़ दूर करो। वह जी गल जी की कीचे सतगुरु पास तो सर्व सुख पाइए, कीता लोड़ी है काम सुहल पै आखी है, कारज दे सवार सतगुर सच साखी है, सतगुर सच साखी है। सच्चे मन अरदास करो, सच्चे मन तुहाडा मन गुरमुख इस तरह बदल जाएगा ना, तुहाडा मन इस तरह बदल जाएगा, तुहाडा नशा कालू यही नहीं करना, इस तरह बदल जाएगा मन, तुहाडा नशा कालू यही नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि परमात्मा का सुभाव है, परमात्मा का यह सुभाव है जो प्यार नाल सतगुरु जी तो मंगता है उसनू जरूर देने, प्यार नाल सतगुरु जी तो जो मंगता है उसनू फल जरूर देंदे ने। जैसा बालक पाई सुपाई, बाणी कहती है जैसा बालक पाए सुपाई, लख अपराध कमावे कर उपदेश चिड़के भोपाती, बहुत पिता बड़ल पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ, आगे मार्ग पावे, आगे मार्ग पावे। तुहाडा मन इस तरह बदल जाएगा ना, तुहाडा नशा कानू जी नहीं। सतगुरु ये परमात्मा दे गुरमुखो सुभा है जो प्यार नाल सतगुरु जी तो मंगदा है उसनू जरूर दे। ते जेड़े केस ने केस की ने केस ते केस की ने केस गुरु दी मोहर ने मोहर केस गुरु दी मोहर ने मोहर स्टंप की हुंदी है, मोहर स्टंप की हुंदी है। गुरमुखो जदो एक 500 रुपए दे कागज़ ते 100 रुपया ले लो, 500 रुपया ले लो, 500 रुपए के कागज ते जद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर लगी होंगी है तो आप उसनों कि सामभ के रखते, 500 रुपए के कागज ते जद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर लगी होंगी है गुरमुखो तो आप उसनों कि सामभ के रखते, क्योंकि गुरमुखो हूँ उसकी कीमत पै गई है। गज के आखो सतनाम, क्योंकि उसकी कीमत पै गई। मैं नहीं मानता कि गुरु का सिख हो सकता है, कौन कहते? मैं नहीं मानता कि गुरु का पुत हो सकता है, गुरु का सिख हो सकता है। जेड़ा सिख केस कतल करवा लेंदे गुरु की मोहर कटवा देंदे, आखो सतना श्री वाहिगुरु। जेड़ा सिख केस कतल करवा लेंदे गुरु की मोहर कटवा दें, वो गुरु का पुत नहीं हो सकता, गुरु का सिख नहीं हो सकता। जे केसा नाल प्यार वेखना है, जे केसा नाल प्यार वेखना है तो भाई तारू सिंह जी नूं वेखो, भाई मनी सिंह जी नूं वेखो, बाबा दीप सिंह जी नूं वेखो, भाई बोटा सिंह, भाई गरजा सिंह, भाई तारू सिंह जी नूं वेखो, जिन्होंने केसां दे प्यार विच अपनी खोपरी तलहा दिती गुरमुखो पर केस कतल ना करवाए, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। अपनी खोपरी तलहा दिती पर केस कतल ना करवाए। भाई तारू सिंह जी नूं कहा गया वो केस कतल करवा ले तो तेरी जान बख्श दिती जाएगी, भाई तारू सिंह जी नूं कहा केस कतल करवा ले तो तेरी जान बख्श दी जाए, भाई तारू सिंह अगो की आखे लगे वो जे केस कतल ही करवा ले तो मैं ज्यों की करूंगा, आखो सतना श्री वाहिगुरु। जे मैं केस कतल ही करवा ले तो मैं ज्यों की करूंगा, क्योंकि गुरमुखो गुरु गोबिंद सिंह जी का सिख केस कतल करवा के जी ही नहीं सकता। रविंद्र नाथ टैगोर ने लिखे है
मैनू तेरी परी जवानी तेरा मन है जा मैं बख्शदा हा तेरी जा बस इस देवज बिच तू मैनू एक तोहफा दे जान लगे तोहफा दे अपने खूबसूरत लम्मे वा मन जून है बादशाह पाई तारू सिंह ने कहा तू भी की करेगा या किसे सिख को कुछ मंगिया सी किसे सिख को कुछ मंगिया सी दे जावांगा तैनू सोने लम्मे पर अकले वाल नहीं पर अकले वाल नहीं अपना सिर भी दे के जावांगा नाल आख सतना पर अकले वाल नहीं अपना सिर भी दे के जावांगा एडिया वडिया कुर्बानियां याद करिए आनंदपुर की धरती याद करिए सरसा दे कंडे नू जदों परिवार विछड़िया परिवार तीन हिस्सों विच वंडिया गया याद करिए चमकौर की गड़ी नू जिथे वड्डे साहबजादा बाबा जुझार सिंह साहबजादा बाबा जी सिंह जी साहबजादा बाबा जुझार सिंह एडिया वड्डिया कुर्बानिया किदे वास्ते करे एडिया वड्डिया कुर्बानिया किदे वास्ते कीतियां गुरु किदे वास्ते अपने वास्ते छोटे साहबजादे निहां विच खड़ गए किदे वास्ते बोलो सारे बोलो किदे वास्ते अपने वास्ते एडिया वड्डिया कुर्बानिया भाई तारू सिंह जी आखते ने पर कले वाल नहीं अपना सुर भी दे के जावा बना सिर देके मिली सरदारी एवं नहीं मिली सरदारी जे मिली भी है तेन किवें रखना सिर देके मिली सरदारी साम साम रखी खालसा सिर देके मिली सरदारी I'm sorry.
वेले कोई भी नाई भाई तारू सिंह जी दे केस कटने नू तैयार नहीं होया। गुरमुख क्योंकि नाइया नू भाई तारू सिंह जी नू वेख के डर आउंदा सी, पर अजकल मनमुख सिखा नू वेख के नाई खुश हो जाते ते सोचते ने कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो इन्हां नू सिंह सजाए, पर पता नहीं भेडा बन नू क्यों तैयार हो गया। भेडा पता नहीं भेडा बन क्यों तैयार हो गए। गुरमुखो भेडा ना बनो, सिंह सजो। एक पंजाब का नौजवान सिख, पंजाब का नौजवान कश्मीर गया तो केस कतल करवाने नाई की दुकान से गया। गुरमुखो नाई ने उसका ना सहज सुभाई पूछ लिया, जिम्मे आप पूछ लें भाई तेरा ना की है ऐदा। गुरमुखो उस नाई ने उसका ना सहज सुभाई पूछ लिया, तो जो उस पता लग गया कि सिख है वो हैरान हो गया। जो उस पता लगा कि सिख है वह हैरान हो गया, मन में सोच लगा तो आख लगा तो सिख तो केस कतल करवाउंदा नहीं, सिख तो केस कतल करवाउंदा नहीं, तुहानू कैड़ी बीमारी पै गई है सिंह साहब जी। नाले तो तुसी पंजाब दे रहण वाले हो जिसनू गुरुआं दी धरती कहा जांदा है, तुहानू केस कतल करवाउण दी की नौबत आ गई, कैड़ी बीमारी पै गई है तुहानू। जाओ मैं तुहाडे केस कट नहीं सकदा। गुरमुखो सिख शर्मशार हुंदा उत्थे चला गया। ते जिहड़े मेरे वीर ये गलती करते ने ना वो अज तो प्रण करके जान कि अज तो बाद केस कतल नहीं करवाव। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पुत बनांगे, खंडे वाटे की पौ छकावे, तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणा दियाँ खुशियां लवे। बड़े ध्यान देने की गल है, जब जदों चमकौर की गढ़ी में सतगुरु जी जाने लगे ना, चमकौर की गढ़ी जब चमकौर की गढ़ी विचों ना सतगुरु जी जाने लगे, तो गुरु ग्रंथ महाराज ने अपने जोड़े उतार दिते, सतगुरु जी ने अपने पवित्र जोड़े उतार दिते। भाई दया सिंह जी नाल ने, भाई दया सिंह जी पुछे लगे सतगुरु जी जोड़े क्यों उतार दिते, सतगुरु जी जोड़े क्यों उतार दिते। तो गुरमुखो वेखो महाराज जी का केसा नाल किन्ना किन्ना प्यार केसा नाल आख लगे। वो बार जंग दे मैदान विच शहीद होए सिंघां दे केसा नूं मेरे जोड़े ना लग जान आख सतना। बार जंग दे मैदान विच शहीद होए सिंघां दे केसा नूं मेरे जोड़े ना, इन्ना प्यार पहला भी सी प्यार ते हुण भी है। महाराज जी ने तां केसा दे प्यार विच गुरमुखो तख्त दा नाम ही केसगढ़ साहिब रख दिया। हुण तुसीं वेखो महाराज जी दा केसा नाल किन्ना प्यार। गुरमुखो कहिंदा आपां पखंडियां कोल तां नहीं गड़े जिहड़े धागे दी वीत दिंदे ने, धागे दी वीत देण वाले कहिंदे आपां उहनां कोल तां नहीं खड़े, पता नहीं उह लगदा कित्थे खड़े आ कित्थे बैठे आ, नहीं पता लगता कदों आपां पगंडियां कोल तां नहीं खड़े। तुसीं दसो गुरमुखो कि दाता देण वाला कौन है, दाता देण वाला कौन है। दादा दाता एक है, बोलो दादा दाता एक है, सबको देवन हार, दिन दे टोटन आवई अगणत परे भंडार, मानु की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। गुरबाणी नु कितों भी विचार के वेखो तुहानू यही पता लगूगा कि गुरबाणी तो बिना किसी के हाथ में कुछ नहीं होता। गॉड इज वन, परमात्मा एक है। गुरबाणी तो बिना किसी के हाथ में कुछ नहीं होता। गुरमुखो जे कोई सोचता है कि वह कुछ कर सकता है तो सिरे का मूर्ख बन गया। इन्हों मूर्खा को जाके आप आप मूर्ख ना बनीए। साढ़े सतगुरु जी की कहते हैं, जे को होए वह दाता
ਤੁਸੀਂ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੈ ਗਵਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਧਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਕੀ ਚਾਨਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਚਾਨਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾ ਹੇ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਚਾਨਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ। ਪਾਕ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੰਡਿਆ? ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਨਗ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਪੜੋ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੈਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ